शासन के पत्र के अनुसार शासनादेश के अनुसार एवं श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार होली त्योहार और आगामी अन्य जो भी त्योहार हैं उसके दृष्टिगत जनपद में विशेष अभियान खाद्य पदार्थों मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध चल रहा है। ये 19 फरवरी 2017 से ही चल रहा है। इसमें होली त्योहार में अधिकांश प्राय जो प्रयुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं उस पर फोकस किया जा रहा है, जैसे खोआ, पनीर, मिठाइयाँ, रंगीन मिठाइयाँ, नमकीन, खाद्य तेल, वनस्पति इत्यादि इत्यादि, इन खाद्य पदार्थों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा दूध एवं दुग्ध उत्पाद पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी के क्रम में जो जनपद में अभियान चल रहा है उसके सापेक्ष आज मेरे विभाग के सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में हर जगह लगे हुए थे। जहां भी खोए की सूचना मिली थी कि खोआ वहां से ट्रांसपोर्ट होता है या कहीं उतारा जाता है, इसी के क्रम में 1 बजे के करीब खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुश्री प्रतिमा त्रिपाठी के द्वारा मुझे दूरभाष पर सूचना दी गई कि रोडवेज रेलवे स्टेशन पर सड़क के किनारे 11 बोरियां पड़ी है। कुल 11 बोरियां थी जिसमें करीब करीब 5.5 क्विंटल से 6 क्विंटल के बीच खोआ प्रतीत हो रहा है। इसके अलावा सवेरे 1 क्विंटल रसगुल्ला एवं 1 क्विंटल पापड़ नमकीन भी लवारिस हालत में ही जब्त हुआ।